हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल। मेरा नाम है आकाश। मैं आज इस वीडियो में आपको जो टिकटॉक का डीपी जो इनविजिबल कैसे करते हैं, वो जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, तो आप कैसे अपने जो टिकटॉक का जो डीपी होता है कैसे इनविजिबल कर पाएंगे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो उससे पहले एक वीडियो देख लीजिए जो इनविजिबल जो डीपी है, अब कैसे हो सकता है इनविजिबल डीपी, वहाँ पर दिखाता हूँ लाइव, ठीक है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोग देखिए कैसे जो वीडियो का जो डीपी है इनविजिबल हुआ हुआ है, ठीक है। एक पर्सन का जो वीडियो जो टिकटॉक आईडी में आपको वहाँ पर ओपन करके दिखाया, जिसमें वीडियो में उनका जो डीपी था इनविजिबल शो कर रहा था। जो भी वीडियो वो बनाए थे उनका वीडियो का आर पार ट्रांसपेरेंट पर दिख रहा था, ठीक है। तो आप अपने वीडियो को भी, आप अपने डीपी को भी इनविजिबल कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आगे पूरे देखते रहें, जैसे कि आपको फुल्ली डिटेली इस वीडियो में पूरा जानकारी मिल सके, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे भी ऐसे ही टिकटॉक रिलेटेड या यूट्यूब रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगे, ठीक है। और यदि मेरे इंस्टाग्राम आईडी को अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जैसे कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को आगे शुरू करते पहले हैं। मैं टिकटॉक ओपन कर लेता हूँ। टिकटॉक ओपन करने के बाद मी के ऑप्शन में क्लिक करूँगा। मी के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा, यहाँ पर जिनका ये आईडी है उनके आईडी में यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर, एक फ़ोन का प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो उसमें मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर लगा हुआ है, तो इसको मैं छेड़छाड़ यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। होम बटन में क्लिक कर देता हूँ। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत होगा जिनका नाम है बैकग्राउंड इरेजर, ठीक है। वो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें मैं क्या करूँगा, पहले इस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर लोड ए फोटो में क्लिक करूँगा। लोड ए फोटो में क्लिक करने के बाद अलाउ दे दूँगा। अलाउ देने के बाद यहाँ पर एक फ़ोटो चूज़ करूँगा, ठीक है। कोई भी एक फ़ोटो ले लीजिए, ठीक है, कोई ऐसे मैटर नहीं करता है कि कौन फ़ोटो लेना है, ठीक है। मैं एक फ़ोटो यहाँ पर ले लेता हूँ, तो यहाँ फ़ोटो में ले लिया। तो इसको यहाँ पर मैं डन में क्लिक कर, डन में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है इरेज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर मैनुअल साइज़ जो है 100 में कर, सॉरी 50 में कर देता हूँ। उसके बाद जो बैकग्राउंड है यहाँ पर, हर इसका जितना ही बैकग्राउंड है सब इसको यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं मैं बैकग्राउंड इसका इरेज ऑलमोस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड मैं इरेज कर दिया, इसको मैं डन में क्लिक करूँगा, ठीक है। डन में क्लिक करने के बाद इसको सेव में क्लिक कर दूँगा। सेव में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं हो चुका है, ठीक है। यहाँ फिनिश पे करूँगा, सॉरी, होने के बाद यहाँ फिनिश पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। फिनिश हो चुका, इसको मैं रिसेंट से हटा दूँगा, सबको मैं यहाँ पर से रिसेंट से हटा दूँगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पर टिकटॉक एप्लीकेशन फिर से ओपन करना है, ठीक है। तो टिकटॉक एप्लीकेशन में ओपन ओपन कर लिया, यहाँ मी के ऑप्शन में क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर थ्री डॉट में क्लिक करूँगा, जैसे थ्री डॉट में यहाँ पर एंटर हो गया, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आप डीपी में क्लिक करेंगे। डीपी में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं पेंसिल के आइकन में क्लिक करेंगे, ठीक है। पेंसिल के आइकन में क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, आप जो अपना जो बैकग्राउंड इरेज किए वो फोटो के यहाँ पर चूज करके यहाँ पर कन्फर्म में क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आ रहा है या ब्लैक कलर का यहाँ पर कलर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप को लग रहा होगा कि ये ब्लैक कलर का यहाँ पर शो करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड आपका जो है, आपका जो डीपी है यहाँ पर इरेज हो चुका है या इनविजिबल हो चुका है। तो आपको यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको ये जो आईडी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। टिकटॉक का जो प्रोफाइल होता है, डीपी होता है, कुछ भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। फिर भी आपको यदि विश्वास नहीं होता है तो मैं यहाँ पर रिसेंट से हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जिनका जो आईडी है सैड बॉय शंकर टू, ठीक है, इसको मैं रिसेंट से हटा देता हूँ। मैं ये जो इनका जो यूज़र नेम था, मैं इनका जो टिकटॉक लाइट में ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। टिकटॉक लाइट में यहाँ पर ओपन किया, ठीक है। टिकटॉक लाइट यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च में क्लिक करूँगा। सर्च में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करूँगा, वेट कीजिए थोड़ा, कीबोर्ड आ रहा है, हाँ, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा सॉरी सैड बॉय शंकर, सर्च कर दिया।
सर्च करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 63 फैन यहाँ पर फॉलो दिया गया, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो प्रोफाइल पिक था यहाँ पर रिमूव हो चुका है, ठीक है। फिर भी आपको यदि भरोसा नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा, तो एक वीडियो में ओपन करके प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं प्ले करके दिखा दिया, यहाँ पर देख सकते हैं जो वीडियो चल रहा है ये हो चुका है, इसका जो डीपी होता है वो यहाँ पर इरेज हो चुका है, ठीक है। आप कोई वीडियो यहाँ पर ओपन कीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं कोई वीडियो ओपन कीजिए, यहाँ पर इनका जो प्रोफाइल पिक है वो इरेज हो चुका है, ठीक है। तो यही सेटिंग करके आप अपना जो डीपी होता है, प्रोफाइल पिक्चर होता है, आप रिमूव कर पाएंगे या इरेज कर पाएंगे, ठीक है। आप जब तक रखना चाहते हैं ऐसे करके सेटिंग करके रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो में बस इतने ही, तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कैसे मैं टिकटॉक आईडी का जो डीपी होता है वो आपको मैं इनविजिबल करके दिखाया। तो इस वीडियो से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो या हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल में यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन ऊपर मिल जाएगी। और यदि मेरे इंस्टाग्राम आईडी को अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, जैसे कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।